अटल बिहारी की पहली अमेरिका यात्रा। अमेरिका में नाइट क्लब भी गए थे अटल। अटल का नाइट क्लब से जुड़ा अनसुना किस्सा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता। अटल बिहारी से जुड़े कई किस्से आज भी याद किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक किताब से उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियां सामने आई हैं। इस किताब के लेखक हैं अभिषेक चौधरी, जिन्होंने अपने दो खंडों के संस्मरण वाजपेयी द असेंट ऑफ हिंदू राइट में बहुत कुछ लिखा है। किताब के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब वो म्यूजियम, आर्ट गैलरी, यहाँ तक कि नाइट क्लब भी गए थे। 1960 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर गए थे। इस दौरान अटल जी की दोस्ती एक युवा भारतीय विदेश सेवा यानी IFS से हो गई। इसके बाद दोनों लोगों ने न्यूयॉर्क में जमकर मस्ती के पल बिताए। पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी में ये सब बताया गया है। दरअसल वाजपेयी जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक बनने के लिए अमेरिका की सरकार के बुलावे पर वहां पहुंचे थे। वो उस प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा थे जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुना था। अभिषेक चौधरी ने अपने दो खंडों के संस्मरण वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट के पहले हिस्से में बताया है कि 25 सितंबर 1960 की सुबह वाजपेयी अपनी पहली विदेश यात्रा पर अमेरिका जाने के लिए एक विमान में सवार हुए थे। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सरकार की ओर से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया गया था। एक और जगह इस यात्रा का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा गया कि अटल जी को रेलवे श्रमिकों से संबंधित कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किया गया था। लेखक के मुताबिक न्यूयॉर्क में अपने प्रवास के दौरान अधिकतर समय वाजपेयी IFS अधिकारी महाराज कृष्ण रस गोत्रा के साथ रहते थे। इस किताब में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नहीं होने पर वाजपेयी ने अपना समय लेखन और रस गोत्रा के साथ रहन शहर की यात्रा में बिताया। औपनिवेशीकरण के विशेषज्ञ रस गोत्रा ने संयुक्त राष्ट्र के बारे में वाजपेयी की समझ पैनी की तो उस समय सांसद रहे वाजपेयी ने अपने संसदीय जीवन के किस्से साझा किए। चौधरी ने लिखा कि दोनों की उम्र 30 साल के आसपास थी और वे कुंवारे थे। उनके बीच थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी। रसगोत्रा उन्हें संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में ले गए, लेकिन इसमें वाजपेयी को कुछ खास मजा नहीं आया। कई बार रसगोत्रा उन्हें नाइट क्लब भी ले गए। वाजपेयी को यह भी मालूम नहीं था कि वास्तव में नाइट क्लब क्या होता है। चौधरी ने लिखा कि रसगोत्रा ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये कोई स्ट्रिप क्लब नहीं है, यहाँ नग्न नृत्य नहीं होता। यहाँ आपको पता चलेगा कि आधुनिक संगीत क्या आकार ले रहा है, यह जैज, इंस्ट्रूमेंटल, लोकल म्यूजिक है। इस पर वाजपेयी उत्साहित होकर बोले, चलिए ये भी एक नई दुनिया है। ऐसे सैर सपाटों के दौरान उन्होंने एक आध पैक भी लगाए। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।